Hello everyone, I'm Shruti Jain, your EdUncle exam mentor. Welcome you here at EdUncle Life की तैयारी। आप अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है वो फाइट कर रहे होंगे। उसमें से एक एग्जाम होता है SSC CGL। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी कितनी पोस्ट पर जो है आपकी जॉब लग सकती है, क्या उस जॉब के फायदे होते हैं, क्या उस जॉब के थोड़े से चैलेंजेस होते हैं और उसमें क्या पे स्केल रहता है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर भी दैट 10 मोस्ट एक्साइटिंग SSC CGL पोस्ट विद गुड सैलरी, जो मोस्ट डिजायर्ड, जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी हद तक जो एक हर एक कैंडिडेट जो है किसी ना किसी पोस्ट की जॉब चाहता होगा, वो 10 पोस्ट आज मैं आपके सामने इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज जो है आगे आते रहेंगे। तो पहला, अच्छा चलो ठीक है, सबसे पहले हम पे स्केल देख रहे हैं कि क्या पे स्केल रहता है, कितना लेवल पे, क्या ग्रेड पे रहता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे SSC CGL की जो है बेसिक पे है वो आप पूरी टेबल में देख सकते हैं। पे लेवल 8, 7, 6, 5, 4 इज डिफरेंट लेवल्स पे कितना बेसिक पे रहता है, जैसे 47,600 हो गया बेसिक पे, देन 44,900। ये सारी बेसिक जो है SSC CGL की जितनी भी पोस्ट होती है उन सभी पर बेसिस ये आपको पे स्केल जो है पूरा चार्ट में आपको यहाँ पे मेंशन दिख रहा है, पूरी टेबल में आपको मेंशन दिख रहा है क्या डियरेंस अलाउंस रहता है, किस तरीके से कटता है, क्या इशू है, बस सारी चीजें जो है वो इस पूरे वीडियो में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पहली पोस्ट देख लेते हैं, दैट इज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका ग्रेड में क्या रहता है, दैट इज 4600। ग्रुप सी में ये बिलोंग करता है एंड ये लोग करते क्या है, व्हाट इज दिस जॉब अबाउट, इट इज असेसिंग वेरीफाइंग प्रोसेसिंग आईटी रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। किसी भी आईटी रिकॉर्ड को यू नो असेस करना, वेरीफाई करना, रेड्स कंडक्ट करना, ये सारे जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का काम होता है। हैंडलिंग रिफंड क्लेम्स एंड टीडीएस रिलेटेड क्वेरीज, टीडीएस रिलेटेड की जितनी भी कोई भी क्वेरीज होती है, डाउट्स होते हैं, वो सारी ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो पोस्ट पे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसको रिजॉल्व करते हैं। उसी तरीके से अब देखते हैं हम बेनिफिट्स, अब देखते हैं हम बेनिफिट्स और चैलेंजेस हर जगह आते हैं। हम कुछ काम करते हैं तो हमें कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती है, तो कुछ पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। दैट इज ग्रेट करियर ग्रोथ, करियर ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, एक्साइटिंग जॉब होती है, जो इधर उधर एक्साइटेड लोग रहते हैं एंड यू नो घूमना फिरना इधर उधर पसंद करते हैं उन लोगों के लिए सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी रेप्यूटेड पोस्ट होती है। उसी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। चैलेंजेस क्या होता है, दैट ऑल इंडिया पोस्टिंग, जब आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है ऑल इंडिया में, वी नेवर नो कि आपकी किस जगह कब कौन सी पोस्टिंग हो जाए, तो ऑल ओवर इंडिया कभी भी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। ट्रांसफर जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट रहते हैं। लोनर एंड अनसर्टन वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग रेड्स, काफ़ी अनसर्टन वर्किंग आवर्स होते हैं, हम इस पर ऐसे नहीं बोल सकते हाँ 10 से 7 की जॉब है, आपकी 9 से 6 की जॉब है, इस तरीके से, बट आपके जो वर्किंग आवर्स है वो काफ़ी शिफ्ट होते रहते हैं, इन स्पेशली इन केस ऑफ रेड्स। रेड्स वी नेवर नो कि कब आपको रेड लगा यू नो मारनी पड़ जाए, एंड दैट इज वाई दिस इज हाउ दिस इज फॉर दी फर्स्ट पोस्ट। सेकेंड पोस्ट पे आ जाते हैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सेम ग्रेड पे, यू कैन सी हियर ग्रुप इज बी। क्लेरिकल और फाइल रिलेटेड वर्क रहता है इस पोस्ट का, वेरीफाई करना टैक्स ऑन गुड्स एंड पासिंग थ्रू पोर्ट्स, मार्किंग सील ऑन ईच कंसाइनमेंट टू बी शिप्ड आउट ऑफ द कंट्री। तो जो भी यू नो शिप के थ्रू इधर उधर कंट्रीज में जो माल जाता है, जो गुड्स जाते हैं इधर से उधर, तो उसके रिगार्डिंग जो भी पूरा क्लेरिकल फाइल वर्क देखना कि उस पर सील मार्क करना, ये सारी चीज़ें किसकी होती है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की। ये सारे रोल्स एंड यू नो रोल्स जो है वो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर को फॉलो करने होते हैं और आई कैन से वो यू नो दे डू दिस पर्टिकुलर जॉब। उसके अलावा बेनिफिट्स देख लेते हैं, काफ़ी सारे वर्क्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, अलाउंसेस आपको मिल जाती है, हाई पेइंग जॉब होती है, काफ़ी अच्छा पे करते हैं, वर्किंग आवर्स बहुत फिक्स रहते हैं इसमें, एक्सेप्ट रेट्स, इट्स रिटन एक्सेप्ट रेट्स, और रेट्स के अलावा जो काम होता है वो काफ़ी यू नो शेड्यूल टाइम में होता है, इंटर कमिश्नर रेट्स, ट्रांसफर और ट्रांसफर ऑन स्पाउस ग्राउंड भी होता है, तो दैट दिस इज अ गुड प्लस पॉइंट कि आपके यू नो स्पाउस बेसिस पे यू आर ट्रांसफर गेटिंग अ ट्रांसफर और अ या। सो नाउ द चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या होते हैं, वैकेंसीज काफ़ी कम होती है, पोस्टिंग जो है कोस्टल एरियाज में भी, इन्हें होगी शिप कहाँ होंगी, कोस्टल एरियाज में ही शिप रन होती है, सो दैट इज वाई पोस्टिंग वहाँ पे होती है। फॉर ICT यू हैव टू लूज सीनियोरिटी, दैट इज इंटर कमिश्नर रेट्स ट्रांसफर। This is how the second post is there. Now comes the third, that is preventive CBEC inspector. Grade में 4600 रहता है, group B होता है. Then what they do is administrative and clerical paperwork. Again, administration related, office related, जितना भी paperwork होता है, arrest करना, detain, issue warrant against people, arrest. You know, we have heard about these, arrest करना क्या होता है, हमें पता होता है.
पीपल इंडल्ज इन स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज, तो जो भी यू नो इलीगल या फिर जो एकदम गलत एक्टिविटीज होती है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, उसके अगेंस्ट यू नो पीपल को अरेस्ट करना, वारंट्स, दैट इज ऑल अबाउट प्रिवेंटिव. सीबीईसी इंस्पेक्टर, दिस इज द रोल विच दे प्ले. नाउ व्हाट कम्स विद दिस पोस्ट बेनिफिट, अगर आप ये इस पोस्ट पे अगर आपकी जॉब लग जाती है तो क्या बेनिफिट आपको मिलता है वो भी हम देख लेते हैं. हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस, दैट इज गुड इनफ. देन अलाउंस जो है पेट्रोल अलाउंस, मोबाइल बिल एक्सेट्रा, ये सारे आपको अलाउंसेस मिल जाते हैं. ऑफिस पोस्टिंग एंड फील्ड पोस्टिंग दोनों रहती है तो अच्छा रहता है. यू नो यू आर समटाइम्स वर्किंग इन द ऑफिस, समटाइम्स इन द फील्ड, दैट इज देयर. शिफ्ट्स में काम होता है, दिस इज अ चैलेंज. कभी मॉर्निंग शिफ्ट हो जाएगी, कभी नून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, यू नो कंपल्सरी यूनिफॉर्म रहती है. सो देयर इज अ फिक्स्ड uniform for this particular post. Now comes another post, that is MEA assistant. You have must have heard about this post, that is Ministry of External Affairs. काफी reputed post होती है. ग्रेड पे जो है 4600 होता है, ग्रुप बी होता है. What they do is administration work, deciphering confidential messages for MEA. Deciphering का मतलब क्या होता है? You need to convert, you know, to a particular language. मतलब किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देना. तो वो जो जितना भी कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सामने कन्वर्ट करके देना. वॉट डज दैट पर्टिकुलर मैसेज मीन्स, दिस इज द पोस्ट विच डज दिस पर्टिकुलर वर्क. बेनिफिट क्या रहता है कि काफी अच्छा ग्रेट एनवायरमेंट रहता है, चांसेस ऑफ फॉरन पोस्टिंग, ऑफिशियल पासपोर्ट आपको मिल जाता है और फॉरन में पोस्टिंग हो जाती है बिकॉज, एंड इसके साथ आपको लैंग्वेज भी होती है. अब जैसे आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है तो फॉर फॉरन पोस्टिंग आपको इस तरीके की लैंग्वेज आनी चाहिए. यू हैव टू You need to pass the respective proficiency test. आपका जो एक particular proficiency है, आपके इस particular language में कितनी proficiency है, आपकी कितने आप capable हैं, वो उस चीज़ का proficiency test होता है. ये एक चैलेंज बन के आ जाता है एक यू नो कैंडिडेट के सामने. होम स्टेट पोस्टिंग इज रेयर. आप जहाँ रह रहे हैं तो आपका जो होम है उस स्टेट में पोस्टिंग रेयर होती है, दैट इज वेरी यू नो मुश्किल. देन वेरी नॉट मच करियर ग्रोथ, स्लो प्रमोशंस, इतना करियर ग्रोथ नहीं है एंड प्रमोशन जो है वो काफी स्लो रहते हैं. रेलवे मिनिस्ट्री असिस्टेंट इज अनदर पोस्ट वेयर यू हैव यू नो यू कैन गेट अ जॉब, दैट इज ग्रेड पे जो होता है 4600 होता है, ग्रुप बी होता है. एंड वॉट डू दे डू, वट इज देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लरिकल पेपर वर्क इन वेरियस रेलवे डिपार्टमेंट्स. तो रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वर्क करना, टिकट यू नो रिगार्डिंग टिकट्स, रिगार्डिंग सीइंग द व्हाट टाइम इट्स ट्रेन इज कमिंग एंड गोइंग, ऑल दीज अदर पेपर रिलेटेड वर्क. बेनिफिट्स क्या होते हैं? काफ़ी अच्छा वर्क पर्क होता है, फ्री एंड डिस्काउंटेड रेलवे पासेस मिल जाते हैं. अगर आप किसी जगह कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वो आपका ट्रैवल एक्सपेंस जो है वो माफ़ कर दिया जाता है. पोस्टिंग हो जाती है अभी रेल भवन, दैट इज डेली ऑन दी टायर वन सिटीज. देन डेस्क जॉब होती है, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, तो इट इज़ अ गुड पॉइंट कि हाँ ठीक है आपको 10 साल जाना है, इट्स अ गुड पॉइंट दैट यू नो यू हैव फिक्स वर्किंग आवर्स एंड इट्स अ डेस्क जॉब, यू हैव टू डोंट हैव टू मूव हियर एंड देयर. Challenges now comes again, that is railway assistants are not involved in the decision making and dependency on higher authority. So you have to, you know, assist the higher authority, or I can say you have to listen to those higher authority. Aapka koi alag se decision making power nahi reh jati, that you can, you are the whole sole person and you can make the रिस्पॉन्स. अब मतलब आप पूरा एक डिसीजन ले सकते हैं, ये एक चीज़ जो है एक ड्रॉबैक आ जाता है कि ये डिपेंडेंसी जो है हायर, हर छोटी चीज़ के लिए आपको हायर अथॉरिटी से पूछना पड़ता है. असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, दैट इज नाउ ग्रेड पे इज अगेन 4600, ग्रुप बी में बिलोंग करता है. एंड व्हाट डू दे डू इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लेरिकल पेपर वर्क अगेन, देन फॉरवर्ड फाइल्स टू हायर अथॉरिटीज टू यू नो दे द नेम स्टिल इट्स सजेस्ट इट्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर. यू हैव टू यू नो वर्क अंडर द हायर अथॉरिटीज, यू हैव टू असिस्ट दोज पीपल. सो पेपर वर्क शेड्यूल करना, दैट इज अ बेनिफिट. पोस्टिंग एट स्टेट हेड क्वार्टर्स इन आई बी सेल और इन डेली, तो काफ़ी अच्छा मौका होता है हम सब कैंडिडेट्स के लिए यू नो टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन. चैलेंजेस आ जाते हैं, दैट यू नो अगेन देयर इज नो डिसीजन मेकिंग पावर, यू आर जस्ट द असिस्टेंट वर्किंग अंडर द हायर अथॉरिटीज. मोनोटोनस वर्क होता है, डेली वही काम करना, एक के बाद यू नो एवरी डे यू हैव टू वर्क. तो मोनोटोनस मतलब काफ़ी वही चलता हुआ काम होता है, यू हैव टू डू दिस. नाउ कम्स सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, ग्रेड पे इज 2400, ग्रुप सी में बिलोंग करते हैं. देन व्हाट डू इज प्योर डेस्क ओनली जॉब विद हार्डली एनी प्रेशर, सो यू डोंट हैव मच प्रेशर अबाउट द वर्क, काफ़ी प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, नहीं होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लेरिकल पेपर वर्क होता है, फॉरवर्ड फाइल्स अगेन टू हायर अथॉरिटीज. इट इज सेड दैट सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, यू हैव टू वर्क अंडर द हायर अथॉरिटीज. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स इज पोस्टिंग इन डेली ओनली, डेली जैसे सिटी में यू हैव टू वर्क, दैट्स अ गुड थिंग. वर्किंग आवर्स आर प्रॉपर यू नो शिफ्ट रहता है, प्रॉपर वर्किंग आवर्स रहते हैं. चैलेंजेस होते हैं वही अगेन सेम, दैट यू नो देर इज नो डिसीजन मेकिंग पावर, जो लोएस्ट
पोस्ट है सेंट्रल सेक्रेटेरियल सर्विसेज की, वो यही होती है, दैट इज सेक्रेटेरियल असिस्टेंट. नाउ कम्स एक्साइज डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर, दैट इज 4600 जो है उसका ग्रेड पे रहता है, ग्रुप बी में ही बिलोंग करता है. व्हाट डू दे डू इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी कंसर्निंग लेवा एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो भी ये जो सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है उन पे क्या कलेक्शन है, क्या लेवा है, यानी कि कोई यू नो चीज़ चार्ज करनी है, कितना अमाउंट चार्ज करना है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज फॉर्म होती है वो सब कौन करता है, दैट इज एक्साइज डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर डज दिस पर्टिकुलर थिंग. वो सारी चीज़ें एक्साइज डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर डिप्यूटी इंस्पेक्टर डज दिस. बेनिफिट क्या रहते हैं, करियर ग्रोथ जो है काफ़ी फास्टर होता है, वर्किंग आवर्स आर प्रॉपर वर्किंग आवर्स में काफ़ी अच्छी करियर ग्रोथ रहती है, बट यू हैव टू पास द डिपार्टमेंटल एग्जाम टू गेट प्रमोशन. ये इसका एक चैलेंज और आई कैन से द ड्रॉबैक इज, तो आपको वो एग्जाम जो है वो पास करना होता है. नारकोटिक्स डिपार्टमेंट डिप्यूटी इंस्पेक्टर इज अनदर थिंग, दैट इज ग्रेड पे 4600 रहता है, ग्रुप बी में आप बिलोंग करते हैं. व्हाट डू दे डू इज कीप अ चेक ऑन द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी. वी हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड ओपियम पॉपी, दैट इज यू नो समथिंग रिलेटेड टू ड्रग्स. सो उस पर पूरा चेक करना कि किस तरह से पीरियोडिक चेक इन कंपनीज मॉनिटर एंड इन स्मगलिंग ऑफ बैंड ड्रग्स. तो जो ड्रग्स होते हैं वो किस जगह कैसे बन रहे हैं, क्या उस चीज़ पे पूरा चेक करना, कितना बन रहा है, कितना यू नो हैज़ बीन आर्ज्ड बाय द गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड कितना प्रोडक्शन हो रहा है. उसके अलावा कोई बैंड चीज़ों पर तो कोई यू नो ड्रग्स आर नॉट गेटिंग और आई कैन प्रोड्यूस, तो इन सारी चीज़ों का जो पूरा अथॉरिटी होती है वो होती है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास. दे दिस इंस्पेक्टर डज दिस ऑल दीज थिंग्स एंड उनको पूरा चेक करना होता है. तो बेनिफिट क्या होते हैं, एक्साइटिंग जॉब होती है फॉर एड्रेनलिन जंकीज, दे हैव टू गो हियर एंड देयर, वहाँ हर जगह इधर उधर जाके they have to check out the things that जो काम चल रहा है वो सही चल रहा है. तो that is जो लोग इधर से उधर घूमना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छी चीज है. contribution of in the cultivation of drug abuse. job profile जो है काफी respected होती है, आप कहीं जाएंगे तो you know you are very much respected and it's a very reputed job I can say. challenge आता है कि local travel is part of the job, you have to move इधर से उधर जाना पड़ता है, तो local traveling होती है और posting जो है वो generally north India में होती है. now CAG department अकाउंटेंट आई कैन से द ग्रेड पे इज 4200, ग्रुप बी होता है जिसमें पोस्ट लाई करती है. एंड वॉट डू दे डू इज ऑडिटिंग ऑफ वर्क्स कैरिड आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, चेकिंग एंड पासिंग वेरियस बिल्स रेज्ड बाय द डिविजन यू आर वर्किंग इन. तो अगेन यू नो चेक करना, ऑडिट करना उस जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती है रिगार्डिंग द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट आई कैन से. नाउ नो और वेरी लेस ट्रैवल, that's a good benefit here. और आपकी रिलैक्स जॉब होती है, काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब प्रोफाइल होती है. एंड इंटरेस्ट रेट ट्रांसफर इज रेयर, दिस इज अ चैलेंज. तो इंटरेस्ट रेट यू नो इंटर स्टेट ट्रांसफर जो है काफ़ी कम होते हैं. तो दिस इज हाउ वी सॉ दीज 10 पोस्ट जो आपके काफ़ी काम आ सकती है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं. SSC CGL का अगर एग्जाम आप दे रहे हैं, और जैसा आप जानते हैं कि SSC CGL का भी हाल ही में एग्जाम हो चुका है, और टीयर 3 का जो है एडमिट कार्ड वो अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो अभी अवेलेबल है, और टीयर 3 का एडमिट कार्ड आ चुका है. अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए. और आपकी तैयारी की बात रही तो वो तैयारी एड अंकल आपको करवा ही रहा है. तो एड अंकल के यूट्यूब चैनल लाइफ की तैयारी के साथ तो आप बने ही रहिए, और इसके अलावा जहाँ भी आपको तैयारी करवाई जा रही है वो है हमारे दूसरा यूट्यूब चैनल, दैट इज एड अंकल सरकारी नौकरी की तैयारी. तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए ताकि आपकी तैयारी होती रहे, आप जल्दी से सारे एग्जाम्स पास करते रहें एंड यू गेट अ वेरी गुड जॉब. तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्या इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं और क्या जनरल थिंग्स हैं जो आप जानना चाहते हैं. अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, अगर आपकी तरफ से आप चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर चीज पे वीडियो बनना चाहिए, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए. और बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहें और करते रहें अपनी लाइफ की तैयारी. Now install all new Edangle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Edangle, karo life ki tayari.